हाँ जी, कैसे हैं आप? तो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 क्रिकेट न्यूज के बारे में। नंबर 1 पर हम बात करेंगे कि एबी डिविलियर्स ने कहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग का मसला एक लंबे अरसे से चलता आ रहा है और इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान की जो बैटिंग है एक अरसे के लिए जो स्टेबल हुई थी वो बाबर और रिजवान की ओपनिंग की वजह से हुई थी। यानी कि एबी डिविलियर्स बाबर और रिजवान की ओपनिंग के हक के अंदर बोल रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि रिसेंटली एबी डिविलियर्स ने बाबर आजम के बारे में कहा है कि बाबर आजम एक अमेजिंग प्लेयर है, और जब एबी डिविलियर्स ने कहा कि जब मैंने बाबर आजम को देखा था तो मुझे पता चल गया था ये कुछ ना कुछ जरूर करेगा, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सक्सेस के अंदर बाबर आजम का बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं हैदर अली के बारे में। तो हैदर अली को वर्ल्ड कप के बाद एक लंबे अरसे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड से बाहर निकाला जा सकता है। हैदर अली को पाकिस्तानी टीम के अंदर बहुत सारे मौके मिले हैं, लेकिन वो इन मौकों को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर सके। एक लंबे अरसे से वो पाकिस्तानी टीम के साथ है, लेकिन अभी तक उन्होंने खुद को प्रूव नहीं किया जिस तरह का वो टैलेंट है। और आपको यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि गुज़श्ता नेट सेशन जो पाकिस्तानी टीम का हुआ है उसके अंदर हैदर अली को 9 गेंदें खेलने को मिली थी, जिसके अंदर उन्होंने 3 गेंदों को लीव कर दिया और 2 गेंदें इतनी तेज थी कि वो खेल ही नहीं पाए, और 4 गेंदें जो उन्होंने खेली थी उनको वो मिडल ही नहीं कर पाए। यानी कि वो नेट्स के अंदर भी सही तरह नहीं खेल पा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं लाहौर कलंदर के हेड कोच आकिब जावेद के बारे में। आकिब जावेद ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, पाकिस्तान टीम जो है ये पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर सकती। इसके अलावा आकिब जावेद ने आज कहा है कि बाबर आजम की टेक्निक ऐसी है कि उसको छक्के मारने में मुश्किल आती है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम लो बैकलिफ्ट के साथ बैटिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनको छक्के मारने में मसला आता है। और इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आज मोहम्मद हारिस ने जिस तरह की बैटिंग की है उसने पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स को बताया कि कैसे पावर प्ले को यूटिलाइज करते हैं, कैसे T20 क्रिकेट एग्रेशन के साथ खेलते हैं और कैसे T20 क्रिकेट फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि हम ऐसे एक दूसरे के साथ मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।